हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक PSU है, इसका एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि एक जॉब के रिगार्डिंग यानी कैरियर ऑप्शंस लाए गए हैं किसके द्वारा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। गाइस यहां पर हम हर एक चीज को जानेंगे, लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, हमारी फी कितनी लगनी है, सैलरी क्या होगी, साथ ही साथ नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि किन चीजों की रिक्वायरमेंट कंपनी ने कैंडिडेट से कर रखी है। क्लियर रहेगा, कैंडिडेट से कर रखा है। सबसे पहले हम चलेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और देखेंगे कि पोस्ट क्या है और किस तरीके का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि क्या है पोस्ट। गाइस असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट रखा गया है। ध्यान रखिएगा, 16 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट आपको 16 अगस्त रखा गया है। गाइस ध्यान रखेंगे, यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें असिस्टेंट मैनेजर में, तो ध्यान रखिएगा मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, लॉ, फायर सिक्योरिटी, सिविल इंजीनियरिंग और कंपनी सेक्रेटरी। टोटल 7 क्राइटेरिया में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर रखा गया है, टोटल आप पोस्ट को दे सकते हो यहाँ पे 27, 37, 42 और 44, 46 46 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं। अब बात आती है कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो मैनेजमेंट के लिए 2 ईयर्स MBA रिक्वायर्ड है, फाइनेंस के लिए चार्टेड अकाउंटेंट, एचआर के लिए 2 ईयर्स MBA, लॉ के लिए फुल डिग्री MBA, यहाँ पर आप LLB मांगा गया है, फायर एंड सिक्योरिटी के लिए ध्यान दीजिएगा BE/BTech मांगा गया है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में। क्लियर रहेगा, नेक्स्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहां पे फुल ईयर BE/BTech मांगा गया है 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी में यहां पे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट रखी गई है। क्लियर रहेगा गाइस, ध्यान देंगे। अब बात आती है कि यहां पे 1 ईयर एक्सपीरियंस इज रिलेटेड फील्ड इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है इसेंशियल और डिजायरेबल में डिफरेंट बस ये है गाइस कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट डिजायरेबल मिल जाता है, अगर उसका मान लो कि हमें जरूरत है 10 साल एक्सपीरियंस वाला, अगर 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं मिलता है मुझे तो मैं 5 साल के एक्सपीरियंस बंदे को भी रख लूंगा। ये होता है डिजायरेबल एंड इसेंशियल में डिफरेंस। क्लियर रहेगा, तो ध्यान रखें गाइस, कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो 2022 के एग्जामिनेशन में यहां पर अप्लीकेबल है, अप्लाई किया है, अपियर्ड हुआ है, तो यहां अप्लाई कर सकता है, यानी अपियरिंग कैंडिडेट को भी छूट दी गई है अप्लाई करने के लिए। क्लियर रहेगा, अब बात आती है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो ध्यान रखेंगे टोटल करंट वैकेंसी में बात करें तो 48 वैकेंसी यहां पे रखा गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज टोटल पोस्ट है 46, जिसमें से 2 वैकेंसी बैकलॉग रखी गई है। क्लियर, चलिए अब आती है बात कि किस तरीके से हमारा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का 1 मई 2022 से पहले आपके पास सारे डिटेल्स होने चाहिए, यानी कि कोई भी पेंडिंग रिजल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके पास पोस्ट का क्वालिफिकेशन मेंशन जो किए हैं आप वो नहीं होना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन इससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का वैलिड नहीं होगा। क्लियर, अब आती है बात एज लिमिट की, तो ध्यान रखेंगे गाइस 1 मई 2022 को यहां पे 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को 3 ईयर्स, SC/ST को 5 ईयर्स, 10 ईयर्स PWD कैंडिडेट को एज पर द एक्सटेंट ऑफ गाइडलाइंस, साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है, तो 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है यहाँ पर, और 3 ईयर्स के बाद अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखी जाती है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो हो सकता है कि आपको रेगुलर कर दिया जाए। क्लियर, नेक्स्ट आता है प्रोबेशन पीरियड में, तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जैसे ही आप यहाँ पर प्रोबेशन कंप्लीट करेंगे 2 ईयर्स आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड स्टार्ट होगा। कितने पैसे मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आप E2 पे स्केल पे जाएंगे जिसकी पे स्केल है 50,000 से 1,60,000 तक। इनहैंड सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो 35% ऑफ बेसिक पे को ऐड कर लीजिए, उसके बाद आपका TADA ऐड कर लीजिए, तो इनहैंड सैलरी आपके पास आने वाली है मिनिमम 90,000 पर मंथ। क्लियर रहेगा, इंटाइटलमेंट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट के दौरान यहां पे आपको लीव मिलेगा, एनुअल इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे, TADA प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद प्रोविडेंट फंड की भी यहां पे प्रोविजन रखी गई है कंपनी के द्वारा। और क्या नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा PRMS नहीं मिलेगा, मेडिकल नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, लोन्स नहीं मिलेंगे, लीव का इनकैशमेंट नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोबेशन और कॉन्ट्रैक्ट। परमानेंट होने के बाद ये सारी फैसिलिटी आप पे अपने आप लागू हो जाएगी। क्लियर रहेगा, चलिए अब बात आती है वेरिफिकेशन में चीजें कैसी रहेंगी, तो वेरिफिकेशन किया जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, कैरेक्टर का। कैरेक्टर के लिए आपको हो सकता है कि जिला पुलिस अधीक्षक से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा लिया जाए ताकि आपके ऊपर कोई भी डिबारिंग का केस ना हो या कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस आपके ऊपर ना हो। क्लियर रहेगा, ठीक है।
चलिए एम्प्लॉयमेंट का बॉन्ड अगर हम देखें यहाँ पे, तो एनओसी का अगर हम बात करें तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको वहां से एनओसी लेकर के आना होगा, क्लियर रहेगा। चलिए अब बात आती है यहाँ पर कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो गाइस ध्यान रखिएगा मुंबई और मुंबई के साथ साथ कोई भी अलग एरिया जहां पे प्रोजेक्ट रन कर रहा है यहां पे आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 500, अदर कैंडिडेट को 100 रुपीज यहां पे नॉन रिफंडेबल फी पेड करना होगा। सिलेक्शन का क्राइटेरिया पहला रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, गुवाहाटी, दिल्ली, एनसीआर और मुंबई, ठीक है, इन सारी जगहों पे आपका सेंटर बनाया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, तो सबसे पहले रहेगा कोर और डोमेन का नॉलेज, यानी जिस क्वालिफिकेशन को आप क्वालिफाई किए हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन आफ्टर रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, और उसके बाद आपका इंग्लिश। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और 120 मिनट्स आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा, क्लियर रहेगा। फाइनल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो आप रिटन टेस्ट में यहां पर मार्क्स एक्वायर करेंगे, यानी जो आपका मार्क्स होगा, मार्क्स के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट करके GDPI के लिए बुलाया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेटर आप अगर सेलेक्ट होते हो तब यहां पर आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी कंपनी के द्वारा, क्लियर रहेगा। चलिए अब छोटी छोटी बातों के बारे में बताया गया है कि यहां पे रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, किस तरीके से, कौन एलिजिबल है, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, आपको अगर छूट लेनी है एज में तो कौन कौन से क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में। अब आते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको जाना है www.sipindia.com पे। यहां पर जाने के बाद आप डायरेक्टली विजिट करेंगे कैरियर ऑप्शन में, कैरियर पेज पे, कैरियर के बाद आप डायरेक्टली यहां पर जाएंगे, दो ऑप्शन पूछे जाएंगे आपसे, सोर और ऑफशोर, तो आपको जाना है सोर ऑप्शन में, ठीक है, सोर ऑप्शन में जाना है। सोर ऑप्शन में जाने के बाद नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये एक PSU का बेहतरीन जॉब है गाइस, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। बहुत सारे लोग गेट के थ्रू जाते हैं लेकिन आपको यहां पे डायरेक्टली मौका मिला है, फ्रेशर्स को मौका मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि सारे क्वालिफिकेशंस आपके हाथ में है, आप यहां पर एलिजिबल हो, तो बेहतर होगा आप अप्लाई करें, क्लियर, आप अप्लाई करें। साथ ही साथ एक PSU में जॉब करने का जो एक अपना मजा है वो शायद कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा पब्लिक सेक्टर में जॉब करने के बाद, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, किसी के कहने पे आप मत सुनिए, पब्लिक सेक्टर का जॉब अपने आप में एक बेहतरीन और ड्रीम जॉब माना जाता है, तो ध्यान रखें गाइस। अगर आपको लगता है कि सारा क्राइटेरिया आपके इनहैंड है तो आप यहां पर अप्लाई जरूर करेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट में, बने रहिए हमारे चैनल पर, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को यहां पे बेनिफिट हो, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा एक बेहतर एजुकेशनल कम्युनिटी डेवलप हो सके, ओके। थैंक यू सो मच।